Assalamu alaikum everyone. My name is Khalid Khan and you are watching a video of Learn English with Khalid Khan. Well listeners, today we are learning topic 22, moral verbs. Yes, moral verbs. And the topic is ability. And the title sentence is wonderful and it talks about money. You could have saved a lot of money. Aap bahut sare paise bacha sakte the. मगर कोई बचा नहीं पाता, खर्च हो जाता है, क्या ख्याल है? वेल एनीवे, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और दैट इज़ अबाउट मॉडल वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स के बारे में है. और मॉडल वर्ब्स अंग्रेजी ज़बान में बहुत अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि अभी मैं बता देता हूँ. लेट्स मूव ऑन, इसका जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. मॉडल वर्ब्स आर स्पेशल वर्ब्स, द सेम मॉडल वर्ब्स गिव्स डिफरेंट मीनिंग इन डिफरेंट सिचुएशन. इसका मतलब हुआ कि मॉडल वर्ब्स होते तो वर्ब्स हैं, मगर दे आर स्पेशल वर्ब्स. यानी स्पेशल क्यों है? क्योंकि एक मॉडल वर्ब दूसरी जगह दूसरे मायने देता है और तीसरी जगह तीसरे मायने दे देता है. तो मगर इसमें घबराने वाली बात नहीं है. दैट इज़ वाई मैनी पीपल कॉल देम डिफेक्टिव वर्ब्स. डिफेक्टिव वर्ब्स कहते हैं नकल उतारने वाले. यानी कि इसको आसानी से इस तरह समझ लें जैसे कि फिल्म्स और ड्रामास में कुछ जो लोग बाग जैसे कि अदाकार होते हैं वो एक्टिंग करते हैं, तो एक ड्रामे में या एक फिल्म में वो डिफरेंट किरदार अदा कर रहे होते हैं, दूसरे फिल्म में या दूसरे ड्रामे में वो दूसरा किरदार अदा कर रहे हैं. तो इसी तरह मॉडल वर्ब्स एक सिचुएशन में एक मायने, दूसरे में दूसरे मायने दे रहे होते हैं. ये कि इसके दो तरीके हैं सीखने के मॉडल वर्ब्स को. पहला तरीका ये है कि जो मॉडल वर्ब्स हैं, जैसे एक मॉडल वर्ब्स को ले लिया, अब वो देख लिया हमने कि वो किस किस मायने में जा सकता है, तो वो हमने स्टडी करी. फिर दूसरा मॉडल वर्ब ले लिया, फिर हमने उसको देख लिया कि कौन कौन से मायनों में जा सकता है. ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि हम क्यों ना मॉडल वर्ब के बजाय हम टॉपिक्स को देख लें कि किन किन टॉपिक्स में कौन कौन से मॉडल वर्ब इस्तेमाल होते हैं. अगर मैं बात करूँ एबिलिटी की तो हम उसमें कौन कौन से मॉडल वर्ब्स आएंगे. अगर मैं बात करूँ पॉसिबिलिटी की तो कौन कौन से मॉडल वर्ब्स आएंगे. और अगर मैं बात करूँ परमिशन और रिक्वेस्ट की तो कौन कौन से मॉडल वर्ब्स आएंगे. तो हम जो है दूसरा वाला तरीकाकार अपनाएंगे. आसान है. अच्छा देखें, इसकी लिस्ट देखते हैं. मेन मॉडल वर्ब्स कौन कौन से हैं? नंबर वन, कैन, कुड, शुड, मस्ट, मे, माइट, वुड, शैल एंड विल. ये जो है मेन मॉडल वर्ब्स हैं. इसके अलावा कुछ सेमी मॉडल वर्ब भी हैं, वो हैं ought to, need to एंड have to. अच्छा, बहुत सारे ग्रामरियन जो हैं, ये जो लोग ग्रामर पढ़ाते हैं, वो इनको ये जो सेमी मॉडल वर्ब्स हैं इनको स्ट्रक्चर भी कहते हैं. तो स्ट्रक्चर भी कहना है, बुराई नहीं है, कोई मसला नहीं है. ठीक है, मगर ये सेमी मॉडल वर्ब भी कहलाते हैं, तो इनको भी हम सीखेंगे. ठीक है, अच्छा देखें, अब अगर हम जब उसको टॉपिक वाइज सीखना चाह रहे हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ओनली 5 टॉपिक्स बनेंगे. तो हम हर वीडियो में जैसे वेरिएशन के तौर पे हमने पिछले भी वीडियोस में 1 by 1 करके हमने सीखा है, तो हम इनको भी हर वीडियो के अंदर हम एक टॉपिक को समझेंगे. ठीक है, तो आज हम सीख रहे हैं एबिलिटी. चलें अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ जो कि है एबिलिटी. यस, एबिलिटी के अंदर 2 मॉडल वर्ब्स इन्वॉल्व होंगे. नंबर 1 इज कैन एंड नंबर 2 इज कुड. ठीक है, तो कैन एंड कुड के जरिए हम बात कर सकेंगे एबिलिटी ऑफ डूइंग समथिंग इन द प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. चाहे वो प्रेजेंट की एबिलिटी हो, पास्ट की हो या फ्यूचर की, इन तीनों में हम बात कर सकेंगे. कैन और कुड की मदद से हम बात कर सकेंगे इन तीनों जमाने के बारे में. तो किसी काम की सलाहियत हमारे पास थी, है या होगी, दैट्स ऑल. बहुत आसान है, आगे चलते हैं. देखें, प्रेजेंट जनरल एबिलिटी, इसके लिए सिर्फ एक मॉडल वर्ब इस्तेमाल होगा, दैट इज कैन. इसका फार्मूला बहुत आसान है. सब्जेक्ट कोई भी हो, नो टेंशन, सब्जेक्ट कोई भी हो, कैन उसके बाद लगाएंगे, फिर बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स. इस तरह हमारा जुमला मुकम्मल हो जाएगा. क्वाइट सिंपल इट इज, इजन इट? दैट्स गुड. अच्छा देखें, अफर्मेटिव पे मैंने मिसाल दी है. आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश में बात कर सकता हूँ. ठीक है, तो पहले मैंने लिया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आई, उसके बाद मैंने कैन लगाया, उसके बाद मैंने स्पीक जो कि फर्स्ट फॉर्म है,
प्लस एक्स्ट्रा वर्ड इन इंग्लिश, तो इस तरह जुमला मुकम्मल हो गया। जब हम इसका निगेटिव बनाएंगे तो इसमें निगेटिव बनाने में ना तो हम डू नॉट लगाएंगे, ना तो हम डज नॉट लगाएंगे, ना तो हम इज नॉट लगाएंगे, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। सिंपली हम खैन के साथ नॉट लगा देंगे, कितना आसान सा है, ठीक है। ही सब्जेक्ट मैंने चेंज कर दिया, ही कैन नॉट, और कैन नॉट की जो कॉन्ट्रैक्शन है अगर आप अमेरिकन फॉलो करेंगे तो बनेगी कैंट, और अगर आप ब्रिटिश फॉलो करेंगे तो वो बनेगी कांट। ही कांट स्पीक इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में बात नहीं कर सकता। जब सवाल बनाएंगे तो हम वही तरीका, ना डू लगाएंगे, ना डज लगाएंगे, ना इज, ना विल, कुछ भी नहीं। सिंपली हम कैन को पहले ले आएंगे सब्जेक्ट से, बाद में सब्जेक्ट को रखेंगे। कैन शी स्पीक इन इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश में बात कर सकती है? बहुत आसान है, ठीक है लिसनर्स। अब तो कोई मसला ही नहीं है, डू डज ये वे सब जिससे आपको शिकायतें थी ना सारे ख़त्म हो गए। क्या ख्याल है, शिकायतें थी या नहीं थी? जी हाँ, आहिस्ते से बोला थी। चलें बाल होनी नहीं तो नहीं चाहिए, आसानी से सीखी है आपने वो। भले नहीं भाई, निगेटिव इंटरोगेटिव में वही हम कॉन्ट्रैक्शन से जुमला शुरू कर रहे हैं। कांट योर फादर स्पीक इंग्लिश। अब इसमें आपने एक चीज़ गौर करी होगी, इस जुमले में मैंने इन नहीं लगाया, तो बिल्कुल सही समझे आप, ये जुमला बगैर यानी कि इन को हटा के भी हम बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अफर्मेटिव में मैं इस तरह बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। यानी कि इसका मतलब ये नहीं है इंग्लिश 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 बोल सकता हूँ, ये नहीं, मैं इंग्लिश में बात कर सकता हूँ, ठीक है। बहरहाल आगे चलते हैं। अब देखें फ्यूचर जनरल एबिलिटी, उसके लिए भी हम सेम वर्ड कैन को इस्तेमाल करेंगे, और इसका फार्मूला भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। सब्जेक्ट प्लस एनी वर्ड, एनी सब्जेक्ट, कोई भी हो सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद कैन प्लस बेस्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एक्स्ट्रा वर्ड, जुमला मुकम्मल। क्या ख्याल है, कोई मसला ही नहीं है? हाँ, मसला एक है, छोटा सा है, वो ये है कि जुमले के आखिरी में फ्यूचर टाइम के वर्ड आएंगे। जैसे कि मिसाल दी हुई है, आई कैन हेल्प यू, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ टमोरो, यानी कि कल मदद कर सकता हूँ, अभी मेरे पास ये सलाहियत नहीं है। इसी वजह से इसको फ्यूचर जनरल एबिलिटी कहा जाता है कि फ्यूचर में आपके पास ये सलाहियत होगी। जब निगेटिव बनाएंगे तो वो बिल्कुल वही होगा आसानी से, ही कैन नॉट कम डे आफ्टर टुमारो, वो परसों नहीं आ सकेगा। क्वाइट सिंपल, आसान सा है, बस सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर टाइम वर्ड्स इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं और कुछ नहीं है। सवाल बनाएंगे तो हम वही लगाएंगे कैन, सबसे पहले सब्जेक्ट से भी पहले कैन को लिया है। शी स्पीक इंग्लिश आफ्टर वन मंथ, क्या वो एक महीने बाद इंग्लिश में बात कर सकती है? और जब हम निगेटिव इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हम कॉन्ट्रैक्शन से जुमला शुरू कर रहे हैं। कांट यू पे द फीस नेक्स्ट वीक, अच्छा फीस से मुझे कुछ याद आ रहा है जनाब अली, क्या ख्याल है? ठीक है जनाब, कोई मसला नहीं है, चले आगे बढ़ते हैं। फास्ट एबिलिटी, खुद अब देखें फास्ट की बात हो रही है तो हम खैन की जो है ये खुद एक्चुअली क्या है, खैन की सेकेंड फॉर्म है खुद। तो अब हम सीख रहे हैं इसका पार्ट वन सीख रहे हैं जो कि है जनरल पास्ट एबिलिटी। पास्ट वन, अच्छा पार्ट वन, आप सोच रहे होंगे ये कहाँ से आ गया पार्ट वन। अच्छा देखिए, पास्ट एबिलिटी के अंदर टू ऑप्शन है। पहला है जनरल पास्ट एबिलिटी, यानी कि पास्ट में कोई सलाहियत थी या नहीं थी। इसके बाद जो स्लाइड आएगी उसमें आएगा पार्ट टू, यानी कि चॉइस ऑफ एबिलिटी, यानी कि पास्ट की तो एबिलिटी थी मगर हमारे पास चॉइस थी, हमने कर सकते थे या नहीं कर सकते थे। अभी हम जो समझ रहे हैं ना जनरल पॉसिबिलिटी के, हमारे पास या तो यानी कि एबिलिटी थी या नहीं थी, बस इसमें कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास। मगर अगली वाली स्लाइड जो अभी हम सीखेंगे उसमें होगी, हमारे पास सलाहियत तो थी मगर चॉइस भी थी उसके साथ। पहले नहीं, पहले इसको समझते हैं, टेंशन मकाओ। देखें सब्जेक्ट एनी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके बाद हमें खुद लगाना है प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि फर्स्ट फॉर्म लगानी है प्लस एक्स्ट्रा वर्ड, जुमला कंप्लीट हो गया, खलास हो गया। क्या हो गया जी? हाँ सही बोला आपने, अच्छी कॉपी कर लेते हैं भाई। भाई आप भले नहीं भाई, अफर्मेटिव जुमला है, सब्जेक्ट लगाया मैंने आए, फिर खुद लगाया आई खुद राइड द बाइक व्हेन आई वाज 10 इयर्स ओल्ड, मैं बाइक चला सकता था जब मैं 10 साल का था। देखें ये पास्ट की जनरल एबिलिटी यानी कि कोई शायद थी या नहीं थी उसका हम जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह जब हम इसका इनकार करेंगे
तो सब्जेक्ट के बाद हम खुड नॉट लगाएंगे. शी खुड नॉट खुडेंट कुक अंटिल शी वॉज 16. वो पका नहीं सकती थी, यानी कि खा नहीं, दिमाग तो नहीं पकाएगी वो पका नहीं सकती खाना जब तक वो 16 साल की नहीं थी. ठीक है, तो पास्ट की एबिलिटी की बात हो रही है, याद रखिएगा. ठीक है, क्योंकि आगे जाके थोड़ी सी कन्फ्यूजन आएगी. अब जब सवाल बनाएंगे तो सवाल में हम डिड नॉट नहीं लगाएंगे, या वॉज नॉट, या वर नॉट नहीं लगाएंगे. सिंपली हम खुद को लेकर आएंगे पहले. खुद यू पिकअप मी इन द मॉर्निंग यस्टरडे, क्या आप मुझे पिकअप कर सकते थे कल सुबह. ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि पास्ट के हम सिर्फ एबिलिटी का जिक्र कर रहे हैं, जनरल पास्ट एबिलिटी के, कुछ ऐसा कर सकते थे या नहीं कर सकते. जब निगेटिव इंटरोगेटिव बनाएंगे तो खुद यू नॉट, सिंपली हम नॉट का इजाफा करते हैं. खुद यू नॉट फाइंड द जॉब फॉर मी लास्ट मंथ, क्या पिछले महीने आप मेरे लिए जॉब तलाश नहीं कर सकते थे. बस सिर्फ ये बंदा चाहता है कि ये बस पूछना चाहता है कि ये सलाहियत आपके पास थी या नहीं थी. वेल एनीवे, लास्ट स्लाइड के ऊपर आ जाए, जो कि अब देखें पार्ट टू आ गया ना, वो इसका मैं भी जिक्र कर रहा था. वेल एनीवे, अब देखें ये भी फास्ट एबिलिटी है और कुड का इस्तेमाल किया जाएगा, मगर अभी क्या है, चॉइस ऑफ एबिलिटी इन द फास्ट. चॉइस क्या होती है, होते क्या है कि जैसे कि एक मिसाल के तौर पर आप, एक मिसाल के तौर पर एक मिसाल ले लें कि मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा सकता था और मैंने नहीं पढ़ाया, मेरी मर्जी, ये तो चॉइस है ना मेरे पास. इसी तरह पाकिस्तान चाहता तो मैच जीत सकता था, मगर वो नहीं जीता, चॉइस ऑफ एबिलिटी, यानी उन्होंने अच्छा खेला ही नहीं, कुछ भी नहीं करा. इसी तरह बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम किसी सियासतदान से उम्मीद लगाते हैं कि वो चेंज लेकर आ सकता है, तब्दीली लेकर आ सकता है, मगर वो नहीं लाया. ठीक है, इस किस्म के जुमलों को बोलने के लिए हम चॉइस ऑफ एबिलिटी की बात करेंगे. वो जनरल एबिलिटी नहीं है, वो चॉइस ऑफ एबिलिटी, यानी कि सलाहियत तो थी मगर की या नहीं की, दैट इज अनदर थिंग. ठीक है, अभी हम ये सीख रहे हैं. इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट कोई भी हो, इसके बाद कुड लगाएंगे, मगर हम अब क्या करेंगे, अब लगाएंगे हम हैव. ठीक है, भले वो कोई भी सब्जेक्ट हो, हैज नहीं आएगा इसमें, हैव आएगा. ठीक है, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि थर्ड फॉर्म आएगी हैव के बाद, प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स. देखें अफर्मेटिव इसका क्या है, वी कुड हैव, सब्जेक्ट क्या है, वी, कुड लगाया फिर हैव लगाया. वी कुड हैव लर्न इंग्लिश एट स्कूल, हम चाहते तो स्कूल में ही इंग्लिश सीख सकते थे. वाओ वंडरफुल, यानी कि तो एग्जाम्पल भी बड़ी प्यारी सी सामने आ गई, क्या करें, और हमने ऐसा किया नहीं, हमारे पास ये चॉइस तो थी मगर हमने किया नहीं. आज जब भी तो हम सीख रहे हैं, इतना टाइम लगा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, क्या ख्याल है, चलने वाला तेरा आज दुरुस्त आए. इसी तरह जब निगेटिव बनाएंगे तो हम सब्जेक्ट के बाद खुद नोट लगाने के बाद हैव लगा के थर्ड फॉर्म लगाएंगे. वी कुडंट हैव लर्न इंग्लिश एट स्कूल, हमारे पास ये चॉइस नहीं थी, यानी कि हम नहीं सीख सकते थे. ठीक है, इसी तरह जब हम इसका सवाल पूछेंगे, क्या ये आपके पास चॉइस थी एबिलिटी की, तो कुड वी हैव लर्न इंग्लिश एट स्कूल, क्या हम सीख सकते थे, इस चॉइस को अवेल कर सकते थे हम. ठीक है, और जब निगेटिव इंटरोगेटिव बनाएंगे तो इस तरह बनाएंगे, खुद वी नॉट हैव लर्न इंग्लिश एट स्कूल, क्या हम इस स्कूल में इंग्लिश नहीं सीख सकते थे. भले नहीं भाई, उम्मीद है आज के टॉपिक आपको समझ में आया होगा. थोड़ा मुश्किल है या नहीं, नहीं है जनाब अली, बहुत आसान है, मैं तो यूं ही समझा देता हूँ आराम से, क्या ख्याल है. भले नहीं भाई, आज का टॉपिक खत्म को पूछा, अपने इस खादिम को इजाज़त दिएगा. मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.